हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं चली सुबह सुबह दुकान दूध लाने के लिए, क्योंकि राशन लेके आएंगे मेरे हस्बैंड और वो भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा एक रस का पैकेट ले आती हूँ और दूध ले आती हूँ। आंटी नमस्ते। मैं बना रही थी व्लॉग और सुबह सुबह आंटी ने बोला मेरे को कि फ़ोटो खींच रही है, और उनको क्या पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मेरे से बातें करने लगे। देखिए सुबह सुबह फ़ोटो खींच रही है, कहाँ से निकले समझ नहीं आ रहा। तो पहुँच गई मैं दुकान। अपना हुलिया ही बिगाड़ के रखा हुआ है इतने टाइम से, बालों में आज तक दूसरी तरह की गुत नहीं करी मैंने। अब जाऊंगी, सोचूंगी आज कि अपना थोड़ा सही करूं। मेकअप भी नहीं करा बहुत दिन हो गए, वही चुपचाप बैठी रहती। मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा पैसा वही से दूंगा, मैं अपने लिए सामान ले आओ, तुम देखती हूँ कब देंगे और कब मैं लेके आती हूँ। मैं लेट थी, एक टॉफ़ी एक रुपया बच रहा था, तो दुकान वाली दीदी ने, उनको पता है मेरे दो बच्चे हैं, तो दो टॉफ़ी दी है अपने आप ही, कि लड़का पूरा ना मान जाए मेरा, क्योंकि उनकी दुकान में जाके कैंडी खरीदता है ना, टेडी बियर कैंडी। गेट खुला है मेरा, मेरी लड़की आ रही है, बाकी मम्मी आ गई। बिस्कुट आ गया, बिस्कुट बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट। यार मैं तो टॉफी लेके आ गई है, बिस्कुट मांग रही है, गड़बड़ हो गई। टॉफी खाएगी, टॉफी टॉफी दी है एक आंटी ने, इसके लिए दिया आज, इसके लिए एक करुणा के लिए। तो सुबह सुबह ना साफ सफाई रहती है, अब सुबह सुबह पराठा बना के जाती हूँ, तब किचन गंदा होता, वरना रात को मैं बढ़िया करके साफ करके ही सोती हूँ। आज से मेरी करुणा सुबह ही सुबह सो गई है, तो मुझे भी आराम मिलेगा, मैं भी लेट जाती हूँ बाहर। अंदर नहीं मिले तुम्हें कपड़े है? ये ऐसे इंसान है, अंदर से बाहर आके मेरे से कहता है कपड़े लिया मेरे है, अंदर से आ रहा है कपड़े कुर्सी पे रखे, पर मेरे हाथ से चाहिए। आलसी है आलसी, कुछ काम खुद भी कर लेगा, वरना भगवान जल्दी ले जा लेगा, कहेगा आलसी बहुत है, बहुत मजे मार लिए है। तो लगा रोएगी तब आएगी, ये तो एकदम उठ के सूसा आ रही है, आ जा 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 आ जा। बिस्कुट खाया तूने? बिस्कुट हाँ, फैन को कहती है बिस्कुट है ये। चल दिया नून, ज्यादा दूर जा रहा, ज्यादा दूर। मैंने लिख के दे दिया घर का सामान, थोड़ा घर का सामान भी लेके आएगा आप लोगों के लिए। मैं बहुत रिस्क लेती हूँ, वरना वो बंदा मेरे साथ व्लॉगिंग नहीं चाहता करना बिल्कुल भी, उसे फिजूल या फिर कैसा भी लगता है, लेकिन मेरा मन है, लेकिन मेरा मन दुखता है। तो देखो आप लोगों को बताने के लिए, अगर मैं आप लोगों को रोज रोज नजर नहीं आऊंगी, फिर मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी, मैं किससे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती, कोई नहीं है। और ये है सोशल मीडिया, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जो अच्छे होंगे उन्हें मैं रख लूंगी, जो बकवास मारेंगे उन सबको ब्लॉक मार दूँ। कसम से मेरे यहाँ पे 7-8 लोगों को ब्लॉक मार दिया, जो अनसन डिलीट कर रहे थे, तू घमंडी है तू, ये नहीं देखते कितना दुख है इंसान को जीवन में, बंदा टंग जाए इतना दुख है, पर टंग नहीं सकता ना। कुछ लोगों के जीवन में भी दुख नहीं आया होता है ना, तो वो दूसरे पे उंगली करते रहते हैं, तो जिनके में आया होता है वो साथ में रहने लग जाते हैं, जैसे मेरे जैसे ही लोग हैं कुछ तो यहाँ पर, तो वो मेरे साथ में जुड़ जाते हैं। और जिनके अच्छा चल रहा है जीवन, उनको किस बात का दुख, वो यहाँ पे कमेंट टाइप करके और टेंशन देने चले आते हैं, तू तो ये है, मतलब कितने क्वेश्चन का आंसर उनको दो समझ में नहीं आता, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ बोलो फिर कुछ बोलेंगे। तो अब मैं नहलाऊंगी अपनी करुणा को, गर्म पानी किया है मैंने इसके लिए, बाबू मेरा नहाएगा अभी, कल नहाने की जिद कर रहा था क्योंकि शाम हो गई थी, शाम को मैंने इसको नहलाना नहीं था, मैंने खुद नहाया, तो कह रही मम्मी मैं अभी नहाऊंगी, तो अब नहलाऊंगी मैं इसको। और आज इसकी आज छुट्टी हो गई, इसको स्कूल जाना था, इसने मेरा अलार्म बंद कर दिया फोन का। तो कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे थे, तो आप लोगों ने बोला था कि इस पर प्रेस कर लिया करो मीसा, तो सच बताऊं तो मेरे यहाँ प्रेस नहीं थी, अब जाके प्रेस लिया है मेरे हस्बैंड ने, तो आज आया है मैसेज कि आपकी प्रेस आ जाएगी आज, आज मैं सारे कपड़ों में प्रेस मारूंगी, मेरे सारे सूट में ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ से कवाड़े में से निकाल के पहने, तो आज मैं प्रेस मार के फिर पहनूंगी, फिर नए लगते हैं प्रेस मारे हुए कपड़े। करुणा को मैंने टी शर्ट पहनाया और वो टोपा बना के घूम रही है, और ये खा रहे हैं दिन का खाना, आशीष वहाँ बैठा है, उसको कह रही जल्दी खा ले, सुनाई नहीं देता उसको, फोन देखता रहेगा। प्रेस आ गई है, भैया देने आए थे। वाह जी वाह, कितनी अच्छी पैकिंग करी है, ना कोई पैकिंग ना पुकिंग, ऐसे डब्बे में पैक करके उठा के दे दिया ये अमेजोन वालों ने शायद से, मतलब ज़्यादा ही उनका चल रहा होगा ना आजकल दुकान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें भेज दिया, ख़राब हो जाए कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा इसको, उसे देखते हैं ओपन करके, ओपन तो क्या ही ओपन ही है, वैसे मुझे लग रहा खोल खाल के चेक करके लाया कोई ना कोई। प्रेस का कलर भी यही था और हिली भी यही थी, तो अच्छी है ये प्रेस देखने में, तो बस करने में पता चलेगा करंट कुरंट ना मारे, अच्छी प्रेस निकली, धन्य है वैसे पति का, किस जरूरत की चीज लेके दी उसने मेरे को। तो एक महाशय ने हमको कमेंट किया है कि तुम्हारी जैसी औरत तो पूरी दुनिया में गा दे हैं, जब हमारा हस्बैंड हमको यहाँ पर खड़ा होकर गली में हमारा तमाशा बना सकता है, मोहल्ले वालों को हमारी बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो हमारा सोशल मीडिया में बाद में बोलने में क्या जा रहा है, पहले तो लोग यहाँ पूरा मोहल्ला देखता है हमको कि हाँ भाई इनका झगड़ा चल रहा है, उसके बाद जब मैं रो रहा लगती हूँ तो मेरा पास कोई भी नहीं होता सुनाने के लिए दुख, क्योंकि अगर अड़ोसी पड़ोसी को सुनाऊंगी तो वो भी देख रहे थे, तो वो भाई किसकी साइड है वो तो हमको नहीं पता, तो मैं तो यहाँ सुना देती हूँ।
और कहानी घर घर की होती रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में। मैंने कितनी बार बोल दिया सबके साथ ही घटना है ये तो, तो अपने को फर्क भी नहीं पड़ता। और मेरे लिए सारे इंसान एक समान है। मेरे साथ वाले हो ना तुम लोग, जब मैं टपकूंगी फिर तुम टपकोगे, हम सबकी बारी एक साथ आएगी और हमारी जनरेशन हम मर जाएंगे, फिर ये जनरेशन बड़ी हो जाएगी, फिर इनकी बारी आएगी, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मुझे तो तुम जानते हो, इनकी जनरेशन थोड़ी ना जानेगी। मेरी जैसी जिंदगी को भी ना मजे में, अगर यहाँ बोल रही ना सोच लो मैं मजे में जी रही हूँ, और तुम लोगों की वजह से ही जिंदा हूँ कि मैं सुनाकर दुख बयां कर देती हूँ जो कि मेरे आंसुओं से बहकर तुम तक पहुंच जाता है। वरना मेरा जैसा बंदा घुट घुट के कोने में पंखा देखते देखते एक दिन लटक जाएगा। मैंने लोगों को लटकते हुए देखा अपने परिवार में ही। अब ये सोचो कि तुम भी यही चाह रहे हो मैं लटक जाऊं, इससे अच्छा तो तुमसे बात शेयर कर लूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगी, मरूंगी जब की जब देखी जाएगी। हाँ, जिनके घरों में गुटियां लगती हो ना वहाँ लड़ाई होना तय है, बल्कि हम कुछ नहीं कहते। और जो गुटियां लगा लेता है ना वो पहले तो भेड़ होता है, फिर वो शेर बन जाता है। अब मेमना हम जैसा बंदा पीछे पीछे भागता रहेगा और शेर पीछे पीछे खाने के लिए दौड़ता रहेगा। अब ये बताओ हम करें तो करें क्या, फिर हम थोड़ा सा मार मुर खा लेते हैं कहीं कहीं। ऐसी बात नहीं हमारा हाथ नहीं है, जब बंदा टल टल रहता है ना मन तो करता सब उठा उठा के सारा गुस्से पेल दे, पर रहने दो। थोड़े बहुत अंदर जो बड़े बच्चे कुछ थोड़ा सा ऊपर वाले के प्रति थोड़ा सा भय ना उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल रखो। बाकी हम किसी को ये भी नहीं कहते कि ये मत करो वो मत करो, मर्जी तुम्हारी, करो तुम्हारी इच्छा, हम मना करेंगे तो तुम और करोगे, इससे अच्छा है कि तुम्हारा दिल करे तब तक करो, किडनी लीवर खराब होगा तो तुम जानो। हम तो एक मन था हमारा ना कि अच्छा वो मिले, अच्छा सब कुछ हो, नहीं हुआ तो क्या करें, जैसी करेंगे वैसी भरेंगे, या फिर तुम चले जाओगे हमसे पहले या हम चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साथ में रहे बंदा मेरी तरह, और लोगों को देखती हूँ ना मैं इतने अच्छे कपल्स रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, साथ में लोग उनमें लिख रहे हैं वाओ क्या कपल है, ऐसा चाहती थी जिंदगी में। सब गंद भसड़ हो गया, पूरा जीवन भार जैसा जीवन हो गया मेरा, कहाँ दुख शेयर करूँ जाके, कुछ नहीं बचा। रोमांटिक एक समय था मेरा वीगो वाला टाइम कि इतना अच्छा अच्छा बर्फ में जाकर मेरे हस्बैंड ने मुझे गोदी उठाया, घुमाया, वीडियो बनाया, ऐसा कुछ चाहती थी मैं जीवन में। सब बेकार चल रहा है मेरा जीवन, अब तो भैया मुक्का मक्की चल रहा, फिर भी साथ में रहते हैं, देखी जाएगी। वो मुझे जाने नहीं देता, मैं चली भी गई तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को बोला मैंने ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी जाऊंगी मैं तो जैसा अच्छा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। बाकी मैं तो अपने आप को दिखा देती हूँ, वो नहीं दिखाता, उसके अंदर घमंड कूट कूट के भरा है तुम, वो तो मोहल्ले वाले जानते हैं वो कैसा रुतबा धारण के रखता है, हम जानते हैं वो जानते हैं, तुमको थोड़ा सा हम बता देते हैं, तुम सारी गलती हमारी निकाल देती हो कि तुम यही गा देती हो तो क्या मर जाए यार, फिर तो हम दिखाई भी नहीं देंगे तुम लोगों को। जब तक गा रहे हैं सुन लिया करो, हम टपक गए तो कौन सा तुम याद रख रहे हो। जिस दिन मेरे घर से ये सब चीज छूटेगी ना उस दिन मेरा जीवन भी अच्छा हो जाएगा शायद, नहीं है तो भाई करते रहो जो करना है जिसको, हम भी क्या बोले कब तक झेले किसी को भी। यह रहता है कि मन में थोड़ी सी दूरी हो जाती है दूसरे इंसान के प्रति, वो उसको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं चल कर लिया सॉरी बोल देते हैं हम भी माफ कर देते हैं, बट यह है दूरी जो होती रहेगी लेकिन बहुत दूर हो जाएगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा रहने या ना रहने से। माँ अपने बच्चे के साथ खुश रहने लग जाती है जब बच्चे बड़े जाते हैं। साथ दिया करो दोस्तों, ज्ञान मत दिया करो, साथ की जरूरत है, ज्ञान तो कोई भी पेल देता है, अगर बोल देंगे ना उधार थोड़े से पैसे दे दो सब गायब हो जाएगी यारी दोस्ती भी, इसलिए साथ दिया करो। साथ कैसे देना वो आप लोगों को पता है, चाहे गाली लिख के दो कमेंट में, चाहे लाइक मार के दो या सब्सक्राइब करके दो, पर दो जरूर, देखो मेरी वीडियो। लेकिन तो हमारे यहाँ हो रहा है बारिश का मौसम और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मना करा था उनका ये टी शर्ट जो जोमेटो का है उसे वॉशिंग मशीन में मत धोना, मैंने वॉशिंग मशीन में फिर भी धो दिया, मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे से पूछते हैं कि दीदी आ जाऊँ आपके पास बैठ जाऊँ काम कर लूँ, ये तो अच्छी बात है कि तू पढ़ाई करने के लिए आ रही है, कर ले पढ़ाई, जो नहीं आएगा मेरे से पूछ रही हूँ, पढ़ने लगी कपड़े उठाओ, पता नहीं कितनी कसके पड़ेगी, मैं बाद में सुखा लूँगी। मशीन के ऊपर ही रख दिया मैंने और फटाफट से रजाई उठाऊं, ये उठा लो पहले उठाने लगी वो, एक करोना भी काम कर रही थी, काम करते करते इन्हें उठाया नहीं है, ये अटक गया यहाँ पर। कहाँ है तेरे पापा, झूठ बोल रही है, कहती पापा आगे कहाँ आगे, नहीं आया कोई भी डॉगी, मम्मी डॉगी, देखो मैंने इसे नहलाया पर तेल नहीं लगाया इसके, देखो कैसे व्हाइट व्हाइट हो रहा सारे में, इसकी मालिश नहीं हुई ना, मेरा ऑपरेशन हो गया तो बताओ मालिश थोड़ी ना करती है ऑपरेशन में। मेरे हस्बैंड कहते हैं लड़के की मालिश करी इसकी करी नहीं, अरे इतना जब 11 टांके आ रहे हैं जिसके पेट पे वो क्या खड़े होकर मालिश करेगा, सोचते नहीं बिल्कुल बोलने से पहले, कोई नौकरानी लगा लेते करने के लिए इसकी सेवा करूँ ना कि अपनी बिटिया मेरी बिटिया मेरी बिटिया। तो अभी मेरे हस्बैंड करा रहे हैं गाड़ी ठीक और 2:30 बज गए हैं, मैंने सोचा था राशन वोशन लाएंगे तो बनाऊंगी, बच्चों ने तो खा लिया, अब वो आए तो कुछ बनाऊं तो खाएं, वैसे सोच रही हूँ कुछ ना कुछ घर में पड़ा होगा बना लेती हूँ, वरना फिर मेरे को एक बार बोला था कि अच्छी बीबी का फर्ज होता है घर में जो भी हो बना ले,
तो बना लेती हूँ। वैसे मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल परेशान नहीं करती, कभी भी नहीं कहती अच्छा अच्छा सूट ला के दे या जीन्स दिला या फिर मैं लहंगा खरीदना है किसी की शादी में जाना है, मैं कभी उसे परेशान नहीं करती। बाकी कभी कभी उसकी इच्छा हो तो कभी दिला दिया दिला दिया, वैसे बिल्कुल परेशान नहीं करती। और जैसे करते होंगे तो वैसे लोगों के रिश्तेदार बहुत होते हैं, लेन देन बहुत करते हैं, अपना ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करती। बाकी सोचो इतनी अच्छी बीवी मिली है उसके बाद भी वो कदर नहीं करता। वो कह रहा था अगर मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे को कहता था नीचे ऊपर थोड़ा लेट आऊंगा। मैंने बोला तुम लेट, तुम जिंदा ही रहना धरती पे, 130 साल तक जीना, ताकि मैं अगर पहले मर गई तो मैं आराम से वहाँ बहुत दिन तक काट सकूँ, वरना तुम तो वहाँ पर भी मुझे डांटोगे। तो मैं बनाऊंगी चाउमीन, क्योंकि कुछ चाउमीन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ये ही बॉईल कर लें, प्याज व्याज डालेंगे इसे छौंकेंगे और इसे बनाएंगे और खाएंगे। बच्चा कुछ चाउमीन पड़ा था तो मैंने ये बनाई है अपने लिए चाउमीन। अब मैं करती हूँ पेट पूजा। मैंने नोनू का बहुत इंतजार करा, 5 बज गए वो नहीं आया, चलो अब खा लेते हैं। चाउमीन खा तो ली मैंने और मैं पत्ता गोभी डालना भूल गई थी जो कि फ्रिज में ही रखा रह गया, और ये बचा है आशीष के लिए, मैंने तो खा लिया। आप देखूंगी शाम को कुछ लेके आते हैं तो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टाटा।